बजट अनाउंस हो गया है, इनकम टैक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चेंज है न्यू टैक्स रिजीम का जो स्लैब रेट है उसको चेंज कर दिया गया है। क्या होगा स्लैब रेट? तो अप टू 3 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 1 लाख, 3 लाख से 7 लाख 5%, 7 लाख से 10 लाख के बीच 10%, 10 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20% एंड अबव 15 लाख 30% का टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया गया है, 50,000 से उसको 75,000 कर दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ कैपिटल गेन्स की बात करें तो इसमें बहुत बड़े चेंजेस आए हैं जिसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जहां हमको 15% फ्लैट 15% का टैक्स देना पड़ता था, अब 20% से फ्लैट 20% से टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 112 टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ऐसे कैपिटल गेन्स जिसपे 20% टैक्स देना पड़ता था, जिसपे 20% का टैक्स देना पड़ता था, अब उसको घटा के 12.5% कर दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 112A, ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है, जिसका एग्जम्पशन लिमिट अप टू 1 लाख था उसको बढ़ा के 1,25,000 कर दिया गया है, ठीक है। 1 लाख के बाद, अप टू 1 लाख के बाद 10% लगता था, तो 1 लाख को तो 25 लाख कर दिया गया है। उसके बाद जो रेट है, टैक्स रेट है, उसको 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है, ठीक है। तो कहीं पे आपको रिलीफ मिली है और कहीं पे आपको रिलीफ नहीं मिली है, और भी टैक्स रेट को बढ़ा दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बोले, उसके लिए उनका होल्डिंग पीरियड 3 साल होना चाहिए था, उसको घटा के 2 साल कर दिया गया है, ठीक है। वापस से मैं आपको रिपीट करता हूँ, ऐसे एसेट्स जिनको 1 साल के ऊपर होल्ड करें तो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, वो वैसे ही हैं। ऐसे एसेट्स जिनको 2 साल के ऊपर रखें, होल्ड करके रखें, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, वो भी वैसे ही हैं। बट ऐसे एसेट्स जिनको 3 साल तक होल्ड करना पड़ता था, अगर लॉन्ग टर्म उन्हें कहलाना है, अगर उन्हें 3 साल तक होल्ड करना पड़ता था, उसको कम करके 2 साल कर दिया है, ठीक है। मतलब अभी लिमिट जो है वो सिर्फ 1 साल और 2 साल ही है। मतलब जो 1 साल था वो तो 1 साल ही है, जो 2 साल था वो 2 साल ही है, बट जो 3 साल थे उनको कम करके 2 साल कर दिया गया, ठीक है। आई होप आप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में जो लिमिट थी 15,000 की, उसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद रेम्यूनरेशन की बात करें, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसको भी बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि 6 लाख तक का अगर बुक प्रॉफिट है, ठीक है, फर्स्ट 6 लाख का जो बुक प्रॉफिट है उस पर 3 लाख या फिर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, विच एवर इज मोर, उतना आपको सैलरी दी जाए, मतलब रेम्यूनरेशन दी जाएगा। 6 लाख के ऊपर का जितना बुक प्रॉफिट है उसका 60% आपको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट टीडीएस रेट, टीडीएस रेट में भी कुछ चेंजेस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेक्शंस लिखे हुए हैं, इसके बाद पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं कि ये सेक्शन क्या कहते हैं और यहाँ पे कितना रेट चल रहा था अब तक और कितना रेट हो गया है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज जो पहले था, ठीक है, अभी जो चेंज होके हो जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, जो आपसे रिलेवेंट थे मैंने वही बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।